क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं केस टू स्टडी। और आज के वीडियो का टॉपिक है रीज़न ऑफ फेलियर और ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फिफ्थ वीडियो है। अगर आपने पहले की चार वीडियो नहीं देखी तो जाओ पहले उनको देखो। सो स्टार्ट करते हैं मेजर रीजन्स ऑफ फेलियर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रीजन्स हर एक आदमी के लिए सफिशियंट है। कुछ रीजन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए सफिशियंट नहीं है, कुछ वजह भी हो सकती हैं वो आपको निकालनी पड़ेगी। कुछ आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ आपके नहीं कंट्रोल में हैं। तो जो आपके कंट्रोल में है उनको इम्प्रूव करो, उन रीजंस को रिमूव करो। सो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट, अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड, मींस फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली का मेंटल पावर, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, आप एनालाइज नहीं कर पाते, आप इमेजिन नहीं कर पाते। इसका एक्चुअली चेंज तो हो नहीं सकता, पर इसका अल्टरनेटिव मेथड है, अगर आप में पैशन और एम है तो आप ग्रुप्स बनाओ अपनी फील्ड के, मोटिवेशंस ग्रुप, उससे ये अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ, आपके कुछ पर्पस नहीं है, मुझे इस चीज को हासिल करना है, कोई गोल नहीं है, सोचते हो कि जैसे जीवन चल रहा है वो चलने दो, जैसे कट रहा है कटने दो, ये भी रीजन हो सकता है फेलियर का। नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबोव मेडियोसिटी, लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, वहां पे हम नहीं पहुंचेंगे, उस लेवल तक हम नहीं पहुंचेंगे, उस चीज को हम अचीव नहीं करने के, इस सोच से भी फेलियर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट एजुकेशन, मींस अगर आपने फिफ्थ क्लास पास आउट नहीं हो और आपको मैथ्स नहीं आती, कम से कम आपको बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड के माहिर बनो, जो माहिर नहीं बनते वो फेल हो जाते हैं, दैट्स अ रीजन ऑफ फेलर। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, गाली गलौज करते हो, आपका पहनने का नजरिया सही नहीं है, ये भी एक रीजन है फेलर का। नेक्स्ट है इल हेल्थ, अलीबाबा की कहानी में जैकमा ने कहा था कि अगर बंदर के सामने तुम पैसे और केले रख दो तो वो केले को चूज करेगा, पर अगर वो पैसों को चूज करता तो उससे केले आ सकते थे। या तुम आदमी के सामने पैसे रख दो या फिर हेल्थ रख दो तो आदमी पैसों को चूज करेगा, पर उसको पता नहीं हेल्थ से और पैसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, समाज में कुछ ऐसी चीज हुई है आपके माहौल में कि आप उनसे अट्रैक्शन हो रहे हो, क्राइम हुआ, झूठ हुआ, धोखेबाजी हुई, ये भी फेलर है, ये भी रीजन है फेलर का। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, मींस टालमटोल, इस टॉपिक को मैं टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में बताऊंगा जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली सीरीज में आएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ परसिस्टेंस, मींस गिव अप नहीं करना, लगे रहना। कुछ लोग कुछ चीज करते हैं उसको छोड़ देते हैं, उनको किक नहीं मिलती, पर ये नहीं है, परसिस्टेंस रखो, चलते जाओ, ना रुकना है ना भागना है, सिर्फ चलना है, जो चलता नहीं है वो फेलर की तरफ जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव पर्सनैलिटी, जो नेगेटिव पर्सनैलिटी वाला होता है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी वाली चीज़ों को सोचता है, उसको करता है, उसको ढूंढता है, ये भी रीज़न है फेलर का। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल सेक्सुअल एज, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, बस अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट करते हैं एक्टिविटी से और वो रीज़न बन जाता है फेलर का। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर समथिंग फॉर नोटिस, समथिंग फॉर नोटिस, शॉर्टकट ढूंढते हैं आधे लोग किसी काम को करने के लिए, जुआ खेलेंगे, सट्टे लगाएंगे विदाउट मेथड। कुछ लोग चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग हो, वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि सक्सेस मांगती है मेहनत। नेक्स्ट है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन, कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये भी रीज़न है फेलर का। नेक्स्ट है वन और मोर ऑफ द सिक्स बेसिक फियर, सिक्स बेसिक फियर होते हैं जैसे कि पॉवर्टी का फियर, क्रिटिसाइजेशन, आलोचना का फियर, इल हेल्थ का फियर, लॉस ऑफ लव का फियर, फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ डेथ, आप पॉवर्टी के बारे में सोचते हो कि क्या होगा आगे अगर मैं गरीब हो गया तो, क्रिटिसाइज आलोचना क्या होगा, इल हेल्थ अगर मैं बीमार पड़ गया तो, लॉस ऑफ लव अगर मैंने प्यार को अपने खो दिया तो, फियर ऑफ ओल्ड एज अगर बूढ़ी एज है मेरी, बूढ़ी एज में मैं क्या करूँगा, फियर ऑफ डेथ अगर मैं मर गया तो, ये सोचने वाले लोग भी फेलर हो सकते हैं क्योंकि मौत तो सबको आती है। क्या पता जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अर्थक्वेक आ जा, कुछ भी आ जा, भूकंप आ जा, छत मेरे सर पे गिर जा, ये सोचना छोड़ दो, जो सोचता है वो फेलर में जाता है। नेक्स्ट है रॉन्ग सेलेक्ट ऑफ ए मेट इन मैरिज, अपने लाइफ पार्टनर को ढंग से ना चुनना। अगर आप लड़की हो और आपने अगर ऐसे लड़के से शादी कर ली जो आपको अंदर कमरे में रखना चाहता है, बाहर की दुनिया दिखाना नहीं चाहता, ऐसे फेलर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर कॉशन, अधिक सावधानी, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे। एंटरप्रेन्योर में सबसे ज़्यादा होता है रिस्क, जिसकी खुद से लड़ाई होती है,
नेक्स्ट है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट इन बिजनेस, बिजनेस में अच्छे लोगों को ना चुनना। वैसे इस बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में आएगी कि अपने बिजनेस में अच्छे एसोसिएट्स कैसे चुने। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन एंड प्रेजेस, मतलब अंधविश्वास। कुछ लोग अंधविश्वास को मानते हैं, पंडित को बुलाते हैं, सही मुहूर्त निकालते हैं, वो भी फेलर्स में जाते हैं जो ये करते हैं। नेक्स्ट रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, वोकेशन का मीन्स होता है फील्ड ऑफ वर्क। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप वो क्यों चीज कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ में बेटर हो तो आप वो क्यों चीज कर रहे हो, ऐसे करने वाले भी चले जाते हैं फेलर में, रीजंस होते हैं ये। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहे, ये भी रीजंस हैं। द हैबिट ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग, आप अंधाधुंध पैसा खर्च करते हो, वो भी रीजंस हो सकता है फेलर का। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंथुसिएज, उत्साह खत्म हो जाता है। जब जो भी काम करो उसमें उत्साह बनाए रखो, मोटिवेटेड रहो, जो मोटिवेटेड नहीं रहता वो फेलर की तरफ जाता है, ये रीजंस होते हैं। नेक्स्ट है इनटेम्परेंस, उपयोगिता, उपयोग, फेल। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर, आपको अगर टीम वर्क नहीं आता, इस बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में मैं सिखाऊंगा टीम वर्क कैसे करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, अगर आपको टीम वर्क नहीं आता ये भी रीजन हो सकता है फेलर में जाने का। नेक्स्ट है पोसेशन ऑफ पावर दैट वॉज द एक्वायर थ्रू सेल्फ एफोर्ट, अगर आपको कोई चीज मिल गई, पड़े हुए पैसे मिल गए, प्रॉपर्टी मिल गई पापा से, दादा से, परदादा से, पॉलिटिकल पार्टी मिल गई फ्री में, तो आप एक्साइटमेंट हो जाते हो, आपको ये नहीं पता होता इन सब को पाने के लिए क्या क्या चीज़ करी है जो और करते हैं, जो फ्री में मिल जाती है कैसी मेहनत लगी है, जो उनको सोचते हैं ये बड़ा आसान है, वो भी रीजंस बन सकता है। नेक्स्ट है इंटेंशनल डिसहोनेस्टी, यानी चीटिंग, कुछ चीटिंग कर रहे हो आप अपने अपोजिट टीम को गिराने की, या फिर जुगाड़ कर रहे हो, ये भी रीजंस हो सकता है। नेक्स्ट है एगोटिज्म एंड वैनिटी, आपका ईगो, औरों की बातें ना सुनना, जो सुनता नहीं वो रीजंस हो सकते हैं फेलर में जाने का। ग्वैसिंग इंस्टेंट ऑफ थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, जो ज़्यादा सोचता है वो भी फेलर में जाता है, रीजंस हो सकता है ये भी। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल, कोई भी बिजनेस को करने के लिए मनी लगता है, अगर आप में मनी नहीं है तो बिजनेस कैसे करोगे, बिजनेस नहीं करोगे तो आपके गोल्स कैसे क्लियर होंगे, गोल क्लियर नहीं होगी इट्स मीन फेलर में जाओगे, आपने क्या करा, कंपनी बढ़ नहीं रही, लॉस में चल रही है, स्पॉन्सर के लिए पैसे नहीं है, माथे भी आप फेलर में जा सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, कैसे लगी ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, और इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट www.case2study.com लाइव हो चुकी है, जाओ देखो कैसी बनी है, और इससे भी अच्छी मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊँगा। ओके बाय।